सर्दियों में बिना हीटर के ही गर्म रहेंगे घर। जी हाँ, कुछ ऐसा ही प्रयोग जीबी पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान के वैज्ञानिक कर चुके हैं। कैसी है ये तकनीक, देखिए अल्मोड़ा से ये खास रिपोर्ट। सर्दियों में बिना हीटर और अलाव जलाए बिना ही घर गर्म रहेंगे, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है लेकिन ये सच है। जीबी पंत हिमालयन पर्यावरण संस्थान इस तकनीकी पर काम कर रहा है कि पुराने घरों को सौर ऊर्जा से गर्म रखा जाए। इसके लिए पैसिव हीटिंग बिल्डिंग पर काम किया जा रहा है जिससे पुराने घरों के अंदर सूर्य की गर्मी को रोका जाएगा और उसे संग्रहित किया जाएगा। पहाड़ पर सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके लिए उत्तर दिशा से आने वाली सूर्य की किरणों पर ज्यादा फोकस होगा, साथ ही सूर्य से आने वाली किरणें कांच से होकर गुजरेंगी। विंडो ओरिएंटेशन, शेडिंग, फ्रेम और ग्लेजिंग, इसमें इन सभी बातों का ध्यान रखना होगा जिससे ये प्रक्रिया अच्छी तरह से काम करेगी। पैसिव हीटिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। पैसिव हीटिंग का मतलब ये होता है कि सूरज की रोशनी को इस तरह से इस्तेमाल करें कि जो हमारे घर है, जो खासतौर पर जो ऊंची ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो घर है जो काफ़ी ठंडे हो जाते हैं जाड़ों में, उनमें नेचुरल सोलर हीट एनर्जी से हम उसको हीटिंग कर सकें। वैज्ञानिक पुराने घरों को कम खर्चे में ही सौर ऊर्जा से गर्म रखने के लिए पिरूल, धान और गेहूं के भूसे और लेंटाना का मिश्रण करेंगे जो दिन में एकत्रित ऊर्जा से पूरी रात घर को गर्म रखेंगे। इससे हिमालय क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन घटेगा और महिलाओं को घर गर्म करने के लिए अधिक लकड़ियों का यूज नहीं करना पड़ेगा। एक ऑप्टिमम टेम्परेचर तक गर्म कर सकते हैं जिससे आपको हीटिंग की, अतिरिक्त हीटिंग की आवश्यकता नहीं होगी और इससे बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। हिमालय क्षेत्रों में जो हमारे वनों का कटाव होता है जलाने के लिए लकड़ियों को, वो रोका जा सकता है। महिलाएं जो लकड़ियों को कलेक्ट करने के लिए बहुत दिन रात मेहनत करती हैं, उसको कम किया जा सकता है। अगर पहाड़ी राज्यों में ये प्रयोग सफल हुआ तो राष्ट्र हित में बिजली बचेगी, कमरों के साथ ही लोगों की जेब भी गर्म रहेगी, पहाड़ में लकड़ियों के लिए जंगलों का अंधाधुंध कटान भी रुकेगा। न्यूज 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट।